કેમ છો? મજામાં? મેરી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરના ઓર પાસ વાલે મંદિર કી ઘંટી બજાના તાકી ભગવાન કે આશીર્વાદ ઓર મેરે વીડિયો સબસે પહેલે આપકો મળે. બ્રો જલ્દી ચાલના, લેટ હો જાયેગા, પીરિયડ સ્ટાર્ટ હો જાયેગા યાર, વિલ ગેટ લેટ. વોટ ઇઝ પીરિયડ બ્રો? ઇટ્સ કોલ્ડ લેક્ચર્સ ઇન કોલેજ. मैम मे आई कम इन? व्हाट इज योर स्कूल टाइम प्रुथा? मैम 1 PM. करेक्ट. एंड व्हाट इज द टाइम right now? Ma'am, it's 1:03. Yes, you are 3 minutes late today dear. So now stand out of the class and no school for you today. Okay? Ma'am, please. Ma'am, sorry. Ma'am, tomorrow I will be on time. Ma'am, please. Ma'am, that wait now. Ma'am, that rickshaw wala uncle got late today. Ma'am, sorry. Sorry. Sorry, ma'am. चिल ब्रो, इतना हाइपर मत हो, डोंट टेक स्ट्रेस ओवर हियर. ऊपर जाने के बाद 5 घंटे स्ट्रेस ही लेना है क्लास में. 12:15 का टाइमिंग है ना लेक्चर का, 12:30 से पहले ना कोई क्लास में कदम नहीं रखता है. स्पेशली टीचर्स तो आधे लेक्चर खत्म होने के बाद ही आता है. ख्याल है क्या मेरी उतना ऊपर जल्दी जाना है तुझे? बैठ शांति से इधर नीचे कैंटीन में. 12:45 तक जाएंगे, ले लेंगे क्लास के अंदर. शांति से बैठ भाई. एक और वड़ा पाव इसके लिए इधर दो, थोड़ा इसका दिमाग भी शांत हो. हाँ ओके क्लास, सो नाउ आई हैव कंप्लीटेड योर नोट्स फॉर 2nd chapter इन इंग्लिश, चेक. एंड नाउ ब्रिंग योर नोटबुक्स फॉर करेक्शन, आई विल साइन इट एंड आई विल गिव यू. ऑडियो जंगल. प्रुता चलो ना, इट्स योर ना नेक्स्ट टर्न. ब्रिंग योर नोटबुक योर डियर. चलो मैम, एक्चुअली आई हैव फॉरगॉट माय नोटबुक एट होम. आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क मैम, आई हैव कंप्लीटेड माय नोट्स आई प्रॉमिस, बट आई फॉरगॉट इट एट होम ओनली टुडे. इट्स एन ओल्ड एक्सक्यूज डियर, आई डोंट नो एनीथिंग. मम्मी घर पे पढ़ाई कर रही क्या वो बुक से? हाँ, या फिर घर पे मंदिर में मुहूर्त देख के रखे कि कब बुक स्कूल में ला सकते हैं? यस, गो गेट योर कैलेंडर, आई विल गिव यू रिमार्क. और कल उसमें मुझे पेरेंट्स की सिग्नेचर्स चाहिए, अदरवाइज टुमारो आई विल टेक यू टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस. ओके, गो गेट योर कैलेंडर. ओके क्लास, सो टुमारो आई एम टेकिंग योर इकोनॉमिक्स बुक्स फॉर करेक्शन. होप यू कीप देम रेडी एंड कंप्लीटेड बाय टुमारो. भाग, कॉलेज में कौन सारे नोटबुक्स लेके आता है बे? स्कूल में ही अभी भी? रफ बुक में और किस में? बात करता है. ये कंधा है, कोई 2.5 किलो का हाथ नहीं है जो सारी टेक्स्ट बुक नोटबुक सब उठा के लेके आए इतना ट्रैवल करके. देख लेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा कल. प्रुता, व्हाई टुडे योर बेस्ट फ्रेंड इज एब्सेंट इन स्कूल? मैम एक्चुअली शी इज हैविंग फीवर, सो शी कुडंट कम टुडे, बट आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर हर दैट शी इज अ वेरी गुड हार्टेड सोल, व्हाई शी गॉट फीवर. मे गॉड ब्लेस हर एंड आई विश हर अ वेरी स्पीडी रिकवरी. ओके क्लास, सो आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल. ओके प्रुथा, तुम्हारे बाजू में गर्ल यूज टू सिट ना, वेर इज शी टुडे? आज आई नहीं हूँ. मैम आप उसका ज्यादा टेंशन मत लो, आपको जानना है वो अभी कहाँ है. कॉलेज के बाहर जाओ, रास्ते पे ना उधर ही वो कटोरा लेके बैठी होगी, या तो किसी ट्रेन में भीख मांग रही होगी, या तो किसी मंदिर के बाहर चंदा इकट्ठा कर रही होगी.
उसने उसकी जिंदगी में ऐसे कोई अच्छे कर्म किए ही नहीं है जो उसको किसी अच्छे रीजन की वजह से उसको छुट्टी लेनी पड़े. शी इज अ बैड सोल, तो शी इज माई बेस्ट फ्रेंड. क्लास, मिस क्लासरूम में तुम सब लोग देख रहे हो और यू कैन नॉट स्टैंड अप एंड विश हर अ गुड आफ्टरनून. मोड़ा में मंग भरिया छे के से गुड आफ्टरनून. इसको कौन गुड आफ्टरनून बोलेगा, इसकी वजह से हमारी रोज की आफ्टरनून बिगड़ती है. Okay, so your good afternoon was so loud enough that I could hear it directly from your hearts, not out of your tongue. So yeah, very well, good afternoon and sit. Hello everyone, thank you so much for watching Mostly Artistic and I am Pratha. So this was a new content video this Monday after a really long time, I know. And this is school life versus college life. So अब तक समझ में आ गया होगा डिफरेंस कि क्या होता है. मेनी ऑफ यू और आर माई कॉलेज फ्रेंड्स एंड मेनी ऑफ यू वॉचिंग दिस आर माई स्कूल फ्रेंड्स. सो दोनों के बीच का तो ह्यूज डिफरेंस है. बट यार टॉकिंग अबाउट दैट, आवर चैनल मोस्टली आर्टिस्टिक एंड दिस ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म हैव डन वन, दैट इज इट्स फर्स्ट एनिवर्सरी हैज टेकन प्लेस ऑन 25 जून, यानी एक साल हो गया इस चैनल को. सो इट्स अ बिग Happy cheers to Mostly Artistic. So you know, ये एक साल कैसे हुआ पता नहीं चला, तो ये तो सारी नॉर्मल बात होती है जो सब करते. बट वॉट आई वॉन्ट टू से यू ऑल इज की थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी वन वॉचिंग दिस वीडियो एंड हु हैव केप्ट सपोर्टिंग मी टिल टूडे. आई नो स्पेशली अ फ्यू ऑफ पीपल हु कीप सपोर्टिंग मी एवरी टाइम, एवरी इन अ स्मॉल थिंग फॉर माई चैनल, एंड आई एम वेरी 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 मच थैंकफुल टू देम. Because you know, this 1 year or this a good number of views and subscribers which we have today wouldn't have been possible agar aapka trust nahi hota. Of course, my hard work was there. Of course, I have spent hours on my channel for doing any research or doing any shooting or doing any editing. But if I wouldn't have got the end result what you all give to me, this wouldn't have been the result. So thank you so much, dil se, to you all. And I know that it is just possible because of you. So it is a big congratulations to you too. And since ek saal hua hai, we are not going to sit quiet. We will do a celebration. Mujhe khud ko celebration karna, because it is not a small thing which we have achieved. And also, matlab ye ek saal mein maine kafi kuch sikha hai. Mujhe kuch bhi pata hi nahi tha YouTube mein how it happened. You know, maine itni saari cheeze explore kar li hai abhi. Like many things, many things are yet to come, but still many things are covered. So I'm very happy with that. And पहले आज की वीडियो की बात ख़त्म करते हैं क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलनी है. आई एम श्योर तुम लोग पक्का बोर हो जाओगे. तो टॉकिंग अबाउट द वीडियो, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज ये तो आपकी ज़िंदगी का सबसे रिलेटेबल होगा. अगर आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, एक बार स्कूल कॉलेज लाइफ की एक बार, अब तो हर रोज हम थे जो एक बार जाते थे. या आपने स्कूल डेज इन्जॉय किए होंगे, कॉलेज डेज इन्जॉय किए होंगे, तो मे बी ये सब आपसे बहुत कुछ रिलेटेबल रहा होगा, राइट. सो अगर ऐसा है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट इफ इट वॉज रिलेटेबल. और अभी बात करते आगे की. सो टॉकिंग अबाउट द चैनल सेलिब्रेशन, तो मैंने पहले ही कहा था, इसीलिए मैंने बहुत टाइम पहले किया था, दैट डू वी वॉन्ट अ वर्चुअल मीट या यू वॉन्ट एन यू नो अ फिजिकल मीट एंड ग्रीट. बट देन वोटिंग्स वर हाई फॉर वर्चुअल मीट एंड सपोर्टिंग और लुकिंग इन द व्यू ऑफ पीपल्स माइंड. आई बिलीव कि वी शुड गो विद द मेजॉरिटी. सो वर्चुअल मीट एंड ग्रीट आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो कुछ तो और, एटलीस्ट आई एम गेटिंग कनेक्टेड टू माई पीपल. सो व्हाट आई हैव थॉट इज कि आई विल डू अ वर्चुअल मीट. बट मैंने बहुत सारे लोगों से एक्चुअली बात की थी, तो कीपिंग इन माइंड एवरी वन स्केड्यूल एंड माइंड स्केड्यूल इवन माइन इज टू टफ. बट देन यू नो उत्साह तो मुझे भी उतना था, आई थॉट एडजस्ट, आई एडजस्ट. बट
कीपिंग एवरी वन स्केड्यूल इन माइंड, आई बिलीव कि ये टाइम यानी 25th को ये नहीं हुआ, उसका रीजन था अगेन आई सेड एवरी वन स्केड्यूल, बट आई एम श्योर आई एम नॉट गोइंग टू लेट इट गो बिकॉज आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट. और मैंने अभी तक ना एक बोलते ना एक सेलिब्रेशन कुछ नहीं किया, तो इट्स फाइन, लाइक इट्स वन ईयर आई बिलीव दैट इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल. बट बींग अ वन ईयर लाइक दिस इज नॉट नॉर्मल, राइट? सो फॉर दैट आई वॉन्ट टू मीट यू ऑल ऑन वर्चुअली. सो यू नो आई एम एक्चुअली सर्चिंग फॉर अ मीडियम वेर यू एंड मी आर गोइंग टू सेट टूगेदर ऑन अ लैपटॉप और मोबाइल फोन ऑफ वेर एवर वर्चुअल वर्ल्ड. बट देन आई एम सीइंग अ प्लेटफॉर्म वेर आई कैन आस्क यू ऑल टू यू नो गिव मी योर नेम्स लाइक हु ऑल आर कमिंग बिकॉज इट्स अ यूट्यूब चैनल यू नो इवेंट और मीटिंग. सो आई कैन नॉट कीप इट ओपन फॉर ईच एंड एवरी वन. आई नीड टू नो इट हु इज गोना कम एंड आई एम गोइंग टू एंटर देम ओनली, यू नो. मतलब ये पूरा मैकेनिज्म तुम समझो ना, तो मैं ये ढूंढ रही हूँ कि हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क. तो इफ यू हैव एनी आइडिया कि हाउ एम आई गोइंग टू वर्क ऑन इट या हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क, प्लीज डू, बिकॉज आई नो मैनी टेक्नीशियंस आर वॉचिंग आउट देयर. मतलब मेरे इतने सारे टेक्नीशियंस फ्रेंड्स हैं जिनको आजकल तो वर्चुअल का इतना सारा नॉलेज है, तो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी आइडियाज बिकॉज आई एम रियली सर्चिंग फॉर इट. एंड या मैंने बहुत कुछ बोल दिया, बट मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग फैन थम्स अप, यार गर्मी बढ़ गई है, बिग फैन थम्स अप. एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर मोर एंड मोर मेनी इयर्स टू फॉर दिस मोस्टली आर्टिस्टिक जर्नी. एंड या विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन लेट्स हैव लव फ्रॉम यू. बाय बाय.